जो ई श्रम कार्ड का जो आयोजन किया गया गांधी भवन में विकलांगों के लिए, तो इसका नियोजन कैसा किया गया है? आज औरंगाबाद शहर जिला विकलांग सेल की तरफ से गांधी भवन में ई श्रम कार्ड का एक कैंप किया गया है। इसके लिए हमारे औरंगाबाद के विकलांग सेल के शहर अध्यक्ष मुदस्सिर अंसारी साहब ने काफ़ी मेहनत की है और इनकी सारी टीम ने इनको काफ़ी ताउन किया इसके अंदर, इनके साथ पूरा जी जान से मेहनत करके इस कैंप को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की है। हम देख रहे हैं कि सवेरे से काफ़ी विकलांग भाई और बाकी भी दीगर गरीब लोग जो है वो इस कैंप का फ़ायदा ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस कैंप से औरंगाबाद की जनता को फ़ायदा होगा और लोगों के मसले हल होंगे। आयोजन किया गया है तो कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया है और ये कब तक चलने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो शहर जिला कांग्रेस कमेटी विकलांग सेल की जानिब से एक फ्री श्रम कार्ड मुहिम चलाई गई, जिसमें आज कम से कम 50 से 60 लोगों ने आज जो है तो आ गया हमारे पास श्रम कार्ड बनाया है गांधी भवन में, जिसके जो विकलांग है, जो नॉन विकलांग है वो भी आके यहाँ बना रहे, जो हाथ गाड़ी वाले हैं, जो चाय बेचने वाले, जो दुकान लगाने वाले मजदूर हैं वो भी ये कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भरपूर ताउन मिला है इस्लाम का और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी लोग ये इस्लाम कार्ड बनाएंगे। मैं सभी औरंगाबाद शहरिया ने औरंगाबाद से अपील करता हूँ कि वो आए और इस स्कीम का लाभ उठाएं। ये कार्ड का फायदा क्या है ये जरा बताइए। ये कार्ड का फायदा ऐसा है कि आपको जो तो जो हाथ गाड़ी वाले जो विकलांग हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से माहाना जो है तो 3,000 रुपये दिए जाएंगे इस्लामाबाद के जरिए उनके अकाउंट में आएंगे। ये पर तो इसमें क्या हेल्थ का बीमा भी है क्या? जी, इसमें हेल्थ है, इसमें जो तो जो काम नहीं करते क्या कहते हैं उन्हें बेरोजगार लोगों के लिए भत्ता चालू होने वाला है इसमें। मुदस्सिर अंसारी ने कैंप रखे हुए ये श्रम कार्ड का, क्या हाथ में ये जो कागज है ये क्या है? ये जो जिसके जिसके हो गए उसके नाम लिख रहे हैं। अच्छा, तो आप विकलांग हैं? जी जी। तो इससे क्या आगे आपको फायदा हो सकता है, इसी उम्मीद है? हाँ, अल्लाह चाहे तो हो जाएंगे। श्रम कार्ड बन रहा है क्या आपका? जी। तो कौन रखा है यहाँ पर कैंप? अभी हमारे मुदस्सिर सर है, मुनीर सर है। तो इसका क्या आपको फायदा होगा आगे? अब अल्लाह ही जाने फायदा होगा नुकसान होगा, अब अल्लाह ने चाहा तो फायदा ही चाहूँगा।